हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको यहाँ का ट्रेंडिंग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। अगर आप शादी की शॉपिंग करने आ रहे हो तो आप ज़रूर आना इस मार्केट में। आपको शादी के लिए और पार्टी वियर के लिए, फंक्शन के लिए, नॉर्मल डेली वेज पे कपड़े, सब तरीके की शॉपिंग आप कर सकते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सुमैया खान ब्लॉग्स। एक बार फिर मेरे इस शानदार ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ लाजपत नगर मार्केट में जो न्यू ट्रेंडिंग कलेक्शन आया है वो सारा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। इसके साथ ही वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको शॉपिंग करनी है अंडर बजट, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो फटाफट से आ जाओ लाजपत नगर मार्केट। लाजपत नगर मार्केट हफ्तों के सातों दिन ओपन रहती है। और इसका टाइमिंग अगर बात करूँ तो यहाँ आप 10-11 बजे के बाद ही आना, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं और रात के 9 से 10 बजे तक ये मार्केट ओपन रहती है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाजपत नगर। आप गेट नंबर 5 या 2 से एग्जिट ले लीजिए, फिर आपको थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये मार्केट मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको मार्केट मिलेगी आपको पता चलेगा एक्चुअली ये मार्केट इतनी फेमस क्यों है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर कपड़े बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। तो चलिए आपको रूबरू करा देते हैं पूरी मार्केट से। तो जैसे कि मैं मार्केट में आई हूँ, मुझे काफ़ी कुछ एकदम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है क्योंकि आज है संडे। इसी बीच में मुझे प्यारी सी गोल्डन मटर माला देखने को मिली जो कि 100 रुपीज़ में एक थी, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक लगी, एकदम अच्छी लगी। काश ये गोल्ड की होती, बट कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल ही हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा सामान था। इसके साथ ही मैं जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ती जा रही थी, मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही रहा था। अगर आपको भी चाहिए तो कुछ शोरूम से कपड़े, तो आप यहाँ पे शोरूम से भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये पिंक वाला सूट काफ़ी यूनिक लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इन भैया के यहाँ पे 300 रुपये की सेल लगी थी पर्स की, बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे। चलो पर्स तो दिखाते ही रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर नायरा कट कलेक्शन दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाले सूट जो कि नायरा सूट हैं, इस टाइप के कॉटन में भी आपको यहाँ मिल जाएंगे और इस टाइप के कोट सेट भी। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 400 से 500 रुपए की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ इसका नीचे ट्राउज़र भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इन भैया के यहाँ बहुत सारा कलेक्शन था तो मैंने कहा चलो ज़रा सा दिखा दो कि आखिर आपके यहाँ क्या कलेक्शन है। तो चलिए देखते हैं इनके पास क्या कलेक्शन है। इनकी प्राइस है 400 से लेके 600 तक की।
तो फिर कुछ यहाँ पर मुझे डिफरेंट लगा, काफ़ी अच्छे कपड़े थे, अलग अलग साइज़ में भी थे, अलग अलग कलर्स में भी थे। तो अगर आपको ऐसा कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रेसेस इस टाइप की ये भी कुर्ते मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कि हैं 550 रुपये की रेंज में। कुछ कम ज़्यादा यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होता है। लाजपत नगर आए और पर्स का कलेक्शन नहीं देखा तो फिर आप लाजपत नगर क्यों आए। तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ, 300 रुपये की सेल, मात्र 300 रुपये की सेल। आई नो कि आपने बहुत सारी मार्केट पता नहीं विजिट की हैं नहीं की हैं, लेकिन 300 रुपये की सेल में वो भी इतने अच्छी क्वालिटी के पर्स नहीं मिलेंगे। तो क्वालिटी वाइज यहाँ पे सामान आपको अच्छा मिलेगा, भले ही और मार्केटों के कंपेरिजन में थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा सामान है। तो 300 रुपये की रेंज में स्मॉल स्मॉल पर्स हैं और 400 रुपये की रेंज में ये। तो मुझे येलो वाला बड़ा पसंद आया, फिर मैंने सोचा क्यों ना परचेज कर लेती हूँ अपनी अम्मी के लिए। फिर सोचा चलो कोई नहीं, पहले मार्केट को थोड़ा विजिट कर लेते हैं और फिर करते हैं ख़रीदारी। और अगर आपको ख़रीदनी है पार्टी वियर ड्रेस या फिर शादी के लिए, तो आ जाओ फटाफट से इस शॉप पर, डोलमा आंटी की मोमोज वाली गली से अगर आप एंट्री करोगे तो अंदर की साइड में ये शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कुर्ते सेट्स थे इस टाइप के भी मिल जाएंगे आपको। ये काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, इनकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 1500 रुपये। 1500 रुपये में इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस कलर्स थे इनके पास। इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा, जैसे 400 रुपये में ये कोट सेट भी आप खरीद सकते हो। इसके अंदर कलर्स भी हैं इनके पास, जैसे में ये कलर है ब्लैक, इसके अलावा एक पिंक कलर भी है, वाइट भी है और एक स्ट्राइप का कलर भी है मैरून। तो पिंक वाला देखते हैं, तो ये है पिंक वाला। बस इनके अंदर दुपट्टे नहीं होते हैं, बस ये नीचे का ट्राउजर रहता है और ऊपर की कुर्ती रहती है। तो इस टाइप के भी कपड़े आप खरीद सकते हो मात्र 400 रुपये में, और क्वालिटी वाइज तो खैर इनकी तारीफ करना ही लाजमी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इन लोग कपड़ों की। तो गाइज जैसे मैं आगे बढ़ी, मुझे कुछ फुटवेयर की शॉप्स मिल गई। तो अगर आपको कुछ फुटवेयर का ख़रीदना है तो वो यहाँ पर ढेर लगे पड़े हैं, 200 300 400 रुपए की रेंज में आप बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर कलेक्शन खरीद सकते हैं। और मार्केट में घूमते घूमते थक गए हो तो यहाँ आ जाओ छोले भटूरे खाने, और उसके जस्ट सामने ही लगाते हैं छोले कुलचे वाले, जो कि लाजपत नगर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। की रेंज में आपको इस टाइप के डेली वेयर टी शर्ट और लोवर भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं। तो भाई सर्दियों का कलेक्शन भी मुझे यहाँ पर बड़ा देखने को मिल गया अभी से, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, वो भी अंडर बजट। अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करनी है, तो आप अपनी फटाफट गर्लफ्रेंड के साथ भी आके यहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग भी कर सकते हो, चाहे वो आपके डेली वेयर्स हो। इस टाइप के आपको लोवर टी शर्ट्स मिल सकते हैं नाइट ड्रेस की तरह,
तो इनकी कीमत थी 300 रुपये। 300 रुपये में ये था, लेकिन भैया जी 250 रुपये लगाने को तैयार थे। तो इतनी सारी बार्गेनिंग भी आपको मिल जाए। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला ही था कि सर्दियों का सामान मिलने लगा है, तो 200 रुपए की सेल में बड़ा ही अच्छा मुझे सामान देखने को मिला। मैं आपको दिखा देती हूँ 200 रुपए में इतने अच्छे अच्छे स्वेटर। मैं रियली बता रही हूँ, अगर आप ये स्वेटर खरीदने जाओगे किसी शोरूम से कम से 600-700 रुपए की रेंज में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और कटे फटे बिल्कुल नहीं है। जैसे कि सरोजनी में अक्सर आपको सामान खरीदोगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा एरर मिल जाए, कटा फटा मिल जाए, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल भी कटा फिटा नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर देखे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे 200 रुपए की रेंज में। 200 रुपए में आजकल कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि लाजपत नगर में बॉयज़ का कलेक्शन है या नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये बॉयज़ का कलेक्शन। 300 रुपए की रेंज में यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी प्रिंटेड शर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इस टाइप की चेक की शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो बॉयज़ का कलेक्शन भी यहाँ मिल जाएगा गर्ल्स के साथ, और इस टाइप के ड्रेसेस भी आपको मिल जाएंगी जो अक्सर बहुत चल रही हैं आजकल, बड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट साइज में। अगर इनके प्राइस की बताऊं तो इनका प्राइस है 400 रुपये, लेकिन ये कुछ कम ज़्यादा कर लेते अगर मुझे ख़रीदना होता। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स थे, डिज़ाइन थे। आप देख लो येल्लो वाला कितना अच्छा है, आप इसे कहीं बाहर मार्केट में भी पहन के जा सकते हो और अपनी नाइट ड्रेस में भी पहन सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो लाजपत नगर में ऐसा नहीं है कि खाली आपको टॉप टी शर्ट्स मिले, आपको इस टाइप के सूट सलवार भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सूट सलवार जो इनके यहाँ बहुत अच्छे थे। 400 रुपए की रेंज उन्होंने मुझे बताई थी, लेकिन ये कुछ कम ज़्यादा कर सकते थे। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, भैया बहुत खुश हो गए जब मैंने इनकी वीडियो बनाई। रियली इन्होंने बोला ठीक है हमारा आप ऐड कर दो, तो ये काफ़ी खुश हो गए। लेकिन इससे अच्छा मैं बता देती हूँ, इनका कलेक्शन बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो ये रेड वाला मुझे बहुत पसंद आया, इन्होंने बताया था ये 550 लगेगा, लेकिन इससे भी ये कम लगा लेते। तो मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ, ये शॉप है इनकी, आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी और इस तरीके से शोरूम भी मिल जाएंगे अगर आपको कुछ शोरूम से परचेज करना है।
तो गाइज, आपने जब भी लाजपत नगर का व्लॉग देखा होगा या आप जब भी इस मार्केट में विजिट करने आए होंगे तो आपको एक शॉप काफ़ी फेमस लगी होगी जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं ब्लाउज। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं उन ब्लाउज को, आखिर वो कौन सी है प्यारी सी शॉप। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये शॉप। ये शॉप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउज मिलते हैं। जैसे कि मैं इन ब्लाउज की बात बताऊँ तो ये 1000 रुपये की रेंज में थे, कुछ 800 की रेंज में थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी डिज़ाइनर और यूनिक भी थे। जैसे ये 800-800 रुपये की रेंज में लगे हुए हैं यहाँ पे ब्लाउज। इसके अलावा जो नेट के ब्लाउज होते हैं वो भी 800-1200 रुपये की रेंज में हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी पसंद कर सकते हो, साथ ही इनके इस साथ यहाँ पर लहंगे गरारे भी मिल जाते हैं, तो आप उस टाइप से भी पसंद कर सकते हो। और ये तो मुझे बहुत यूनिक से लगे, एकदम ये येल्लो वाला बड़ा प्यारा लगा मुझे। इसकी कीमत उन्होंने मुझे बताई थी आई थिंक 800 रुपये, 800-1200-1400 रुपये की रेंज में आपको यहाँ बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउज मिल जाएंगे, काफ़ी डिज़ाइनर। और मुझे ये बड़ा यूनिक लगा, इसकी प्राइस उन्होंने मुझे बताई 1200 रुपये, बट आई थिंक ये इससे कम बहुत आराम से कर लेते अगर मुझे खरीदने होते। तो आप यहाँ से अपनी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए शॉपिंग कर सकते हो, ये यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है। अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको वो शॉप लाजपत नगर की जहाँ पे इस टाइम पार्टी वियर कलेक्शन चल रहा है, तो हम भी इस शॉप में चलते हैं। तो जैसी मैं शॉप में गई, इस शॉप के तो एकदम रंग ढंग ही अलग थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी एसी चल रही थी, म्यूजिक थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे था। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे इस टाइप की ड्रेसेस भी मिल रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ इस टाइप की वन पीस ड्रेस लेनी है या फिर पार्टी वियर ड्रेस लेनी है तो लाजपत नगर में आपको ये भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको कुछ रेंटेबल चीज़ लेनी है, जैसे रेंट में आपको लहंगा चाहिए, शादी के लिए चाहिए या पार्टी के लिए चाहिए, एंगेजमेंट के लिए चाहिए या लड़के की शेरवानी वगैरह चाहिए, आपको रेंट की ज्वेलरी के साथ आपको रेंट की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी लाजपत नगर में। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ रेंट पर लेना है तो वो यहाँ से खरीद सकते हो रेंट पे। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि मैं लाजपत नगर में जाती हूँ लेकिन सूट वगैरह बहुत कम कवर करती हूँ, तो मैंने आज सूट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, क्योंकि भाई शादियों का सीज़न आ रहा है, आपको पता ही है सर्दियों में कितनी ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो अगर आपको शादियों के लिए कपड़े ख़रीदने हैं तो आप बिल्कुल ऑफकोर्स आओ इस मार्केट में और ख़रीदारी करो बहुत सारी। इनके यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते सेट सूट थे, 650-700 रुपये की रेंज में। और भाई वो झुमका हो और वो भी जंक ज्वेलरी में, तो फटाफट से आ जाओ खरीदते हैं झुमका। तो यहाँ पर आपको बहुत प्यारे प्यारे 50, 80, 100 की रेंज में बहुत प्यारे प्यारे झुमके मिल जाएंगे।
और ये झुमके आपके सूट पे, सलवार पे और भी काफ़ी सारे ड्रेसेस पे चल जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ हो रही है इस टाइम। तो गाइस, पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे होलसेल के बारे में भी आपको कुछ बताने वाली हूँ। तो लाजपत नगर में आपको इस टाइप के काफ़ी प्यारे प्यारे कुर्ते मिल जाएंगे 200, 300, 400, 500 तक की रेंज में। इसके अलावा कुछ यहाँ पे शॉप्स आपको ऐसे भी मिलेंगी जहाँ पे 50-50 रुपीज़ की सेल लगी होगी। तो ये शॉप पे भी काफ़ी अच्छे मुझे कपड़े लगते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे कि 1500, 1600, 1000, 800 रुपये की रेंज में आपको बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे फैंसी। तो अगर आपको किसी पार्टी वेयर्स के लिए चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा इन भैया के पास आसपास में एक दो शॉप और थीं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थीं उनके पास। तो अगर आपको कुछ ऐसा ख़रीदना है तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ ख़रीद सकते हो। और इनके यहाँ सूट बहुत प्यारे प्यारे थे। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको सूट ख़रीदने हैं तो साथ में आप लोग चांदनी चौक भी जा सकते हो, वहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन मिलता है, वहाँ से भी आप ख़रीदारी कर सकते हो। अगर आपको कुछ ख़रीदना है नेट, अगर आपको इस टाइप का कपड़ा ख़रीदना है लहंगे के लिए, सूट के लिए, साड़ी के लिए, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। इस शॉप के बारे में बता देती हूँ, इन शॉप पर आपको इस तरीके का कपड़ा मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग मैच कर लो। और बहुत अच्छे अच्छे सेट्स थे, कलरफुल भी थे और इस टाइप के वाइट में भी थे, अलग अलग तरीके का कपड़ा है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इनकी शॉप का नाम, इनकी शॉप का नाम है स्त्री, तो इनकी शॉप का नाम है स्त्री वस्त्र प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हो। और ये शॉप जस्ट रोलमा आंटी के मोमोज के जस्ट सामने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था वो शॉप कौन सी है, क्या है, तो आज मैं आपको इस शॉप के बारे में बता देती हूँ। यहाँ से आप इस तरीके से कपड़ा खरीद सकते हो, जितने भी मीटर आपको चाहिए। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे भी हैं और साड़ी वगैरह भी मिल जाएगी, और कुछ इस टाइप की भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन शॉप के सामने जस्ट इन भैया ने इस टाइप की शॉप लगा रखी थी छोटी सी, जहां पर ये इस टाइप के कटे हुए पीसेस बेच रहे थे। तो ये रेड वाले के मैंने पीस पूछे तो उन्होंने मुझे बताया 400 रुपये मीटर है ये, एक या डेढ़ मीटर ही होता ये। इसके अलावा और भी इनके पास काफ़ी सारी नेट थी जो आप साड़ी या सूट में लगवा सकते हो। तो अगर आपको इस तरह के कपड़े ख़रीदने हैं तो इस शॉप के आसपास में सारी शॉप इसी तरीके की हैं, जहाँ आप नेट या इस टाइप से कपड़ा खरीद सकते हो।
तो अगर आपको फैंसी कपड़ा चाहिए थान में, इट मीन्स थान में आपको कपड़ा चाहिए, अलग अलग दुपट्टे चाहिए, तो आप इस गली में आ जाओ। लाजपत नगर में ये गली आपने आई थिंक पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का थान में कपड़ा मिल जाएगा, एकदम फैंसी वाला, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज थी। जैसे कुछ 400 रुपये मीटर, कुछ 500, कुछ 600 रुपये मीटर, कुछ इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा था। मुझे वाइट वाला बहुत पसंद आया, जिसका अगर लहंगा बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा इनके साथ का अंदर का अस्तर हो गया, दुपट्टे हो गए, वो आप इन शॉप से मैच करा सकते हो। और कुछ यहाँ छोटे कतरन पीस भी मिलेंगे। तो इन शॉप पे पूरा होलसेल का आइटम मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ टेबल पोस्ट, मेज पोस्ट वगैरह मिल जाएंगे। और कुशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे अच्छे कुशन थे, 200-300 रुपए की रेंज में बहुत कुशन थे। इस टाइप की नेट भी मिल जाएगी कि आप अपने अकॉर्डिंग सूट पसंद करो, दुपट्टा पसंद करो, फिर नेट पसंद कर लो, हैंड टू हैंड नेट लगवा लो, आपका सूट हो गया तैयार। तो मुझे ये नेट पसंद आई, जिन्होंने बताए थे इसके शायद 200 रुपए मीटर थी ये नेट, और भी काफ़ी सारी नेट अवेलेबल थी इन भैया के यहाँ। तो शॉपिंग के साथ साथ अगर आपको घर का कुछ सामान खरीदना है, वो भी एकदम यूनिक, तो आ जाओ और यहाँ आप खरीद सकते हो घर का सामान, होम डेकोरेशन आइटम। आप देख सकते हो कितना डिफरेंट डिफरेंट सामान है, और ये थोक में भी बेचते हैं और आपको रिटेल में भी देंगे। बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे बहुत कुछ था ऐसा एकदम यूनिक वाला। यहाँ से आप अपने घर की शॉपिंग भी बहुत प्यार से कर सकते हो। संडे का दिन है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, और ये लाइन बिल्कुल मेन रोड के जस्ट साइड में ही है, जो लाजपत नगर का मेन रोड है उसके जस्ट साइड वाली ही लाइन है। इस शॉप पे बड़ी प्यारे प्यारे जूती थी, तो मैंने एक जूती पहन के देखी, काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी और लग भी रही थी, मजबूत है। तो 500-600 रुपए की रेंज में आप प्यारी प्यारी जूती भी खरीद सकते हो और इतने प्यारे प्यारे सैंडल भी।
तो घर के लिए बेडशीट, कुशन, ब्लैंकेट, कर्टन्स, इस टाइप का अगर आपको कुछ सामान चाहिए तो आप आ जाओ इन भैया की शॉप पर। इनके यहाँ बहुत ही तगड़ा कलेक्शन है। और ये मैं आपको दुकान के जस्ट बाहर का सीन दिखा रही हूँ। 300 रुपये में एक कुशन था फैंसी, और 300 रुपये में ये कुशन था जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा थोक में सामान लोगे, इट मीन्स ज़्यादा अमाउंट में लोगे, तो ये कम ज़्यादा कर लेंगे। सिंगल पीस पे हो सकता है, ये ज़्यादा भाव ताव ना करें। तो गाइज आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सच में ये मार्केट आपकी शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट है या नहीं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पे और भी आपको जगह जगह पे बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है। खाने पीने की व्यवस्था तो पूरी मार्केट में एकदम है ही। अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खा भी सकते हो। यहाँ की हर दूसरी तीसरी चीज़ फेमस है। तो अब मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है मार्केट, और मैं बिल्कुल मेन मार्केट में अंदर आ चुकी हूँ। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब से रिलेटेड या फिर इस मार्केट से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो ब्लैक ड्रेस है ये बहुत प्यारी थी, 300 रुपये की थी, काफ़ी अच्छी। और इस टाइप की प्रिंटेड नॉन प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। तो गाइस गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर।
बॉयज़ का कलेक्शन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। अगर मुझे इस चीज़ की नीड होगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। तो इस टाइप की 200-300 रुपए की रेंज में चप्पल, प्यारी प्यारी इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो आई होप गाइस आपने मेरी वीडियो को किया होगा एंजॉय। तो अगर आपको अंडर बजट अफोर्डेबल शॉपिंग करनी है, वो भी बहुत अच्छे से कपड़े की, तो आप लोग बिल्कुल टाइम मत गवाओ और आ जाओ लाजपत नगर। लाजपत नगर में आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे, चाहे वो आपका घर का कुछ सामान है, आपका खुद का है या खाने पीने का, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं मार्केट को विजिट करते करते बहुत थक गई हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो फटाफट से अब ये आलू फ्राई चाट खाते हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और ये तैयार भी हो गई है मात्र 50 रुपए में, और सामिया का बर्गर भी तैयार है। तो फटाफट खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मार्केट आए हो और कुछ खाया नहीं तो क्या फ़ायदा, तो खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरीके से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़े रहना चाहते हो तो इंस्टा पे करो मुझे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।